गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंडल बहादुर उपरेती। गाइस आज जो मेरा टॉपिक है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है आज का मेरा। कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सांस जो है बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं और क्या सांस का रोल होता है। बहुत सारे लोग सांस को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोग सांस की बात करते हैं, इवन मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे भी क्वेश्चंस आया कि सर आप सांस के ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने पहले भी कभी वीडियो बनाई है, लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस कि देखिए सांस, पहली बात तो किसी भी सांस का किसी भी ह्यूमन ट्रायल पर अभी तक कोई भी जो है ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए नहीं बना हुआ है। कुछ सांस ऐसे हैं या फिर सांस बेसिकली किसके लिए बनाया जाता है, ये कुछ डिजीज जो होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे कुछ दिक्कत है तो उसके लिए कुछ बीमारियों के लिए इसको जो है बनाया जाता है। FDA से कोई भी सांस अभी तक अप्रूव नहीं है अगर मैं बात करूँ तो मैं गाइस इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको पहले ही चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं अगर सांस के बारे में आपको बता रहा हूँ तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। मैं किसी भी सांस को प्रमोट नहीं करता हूँ, किसी भी ड्रग्स किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए वीडियो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि अगर आपको ये सांस आप यूज़ किया है या बॉडी बिल्डर्स को यूज़ करते हैं या कोई भी फिटनेस इंडस्ट्री में कोई भी बंदा अगर इसको यूज़ करता है तो यूज़ करने से पहले उसको इसके साइड इफेक्ट पता होने चाहिए। ये क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, इसकी डोजेस, इसके साइड इफेक्ट, इसके बेनिफिट्स सब आपको पता होना चाहिए और क्या होता है ये। तो गाइस सेलेक्टेड एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर सांस जो इसकी फुल फॉर्म है, बट आज जो मैं बात करने वाला हूं, मैं बात कर रहा हूं आज SR 909 के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, जो कि एक पॉपुलर साम्स के नाम से जाना जाता है, सेनाबॉलिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक्चुअली साम्स कहते हैं, बट एक्चुअल में ये साम्स नहीं है। साम्स की कैटेगरी इसको कई लोग कई कंपनियों ने इसको रखा है कि साम्स है, ये साम्स के नाम से ही जाना जाता है, बट एक्चुअली ये साम्स नहीं है। ये रे अरबा रिसेप्टर है जो आपकी बॉडी में किस तरीके से काम करता है उसके बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करता है और ये क्या है, ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और किसने इसको बनाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूं कि देखिए ये सांस, अगर किसी कोई आपको ये बोलता है कि ये सांस है तो ये सांस नहीं है। सबसे पहले रे अरबा रिसेप्टर है जो बॉडी के अंदर एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। अब आपको कोई बोलेगा कि नहीं आप ये सांस यूज करो, इससे आपका फैट लॉस हो जाएगा, इससे आपका जो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रॉन्ग, बट ऐसा कुछ नहीं है। सांस ऐसा इसमें क्या डाल दिया जो आपको इतनी सारी बेनिफिट्स ये दे रहा है, इतने सारे जो है आपको ये आपके बॉडी में काम कर रहा है। तो ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो आपकी बॉडी में किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये जो है प्रोफेसर थॉमस ने जो है इसको प्रोड्यूस किया हुआ है और ये अभी तक FDA से अप्रूव नहीं है। अब ये बॉडी के अंदर क्या काम करता है उसको मैं बता दूं, बेनिफिट्स बताता हूं। सबसे पहले ये आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग कर देता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, आपका फैट लॉस करेगा, प्लस आपकी जो है जो मसल्स की क्वालिटी है उसके अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट कर देता है। अब वो कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम कभी बॉडी के अंदर कोई भी लाइक ग्लाइकोजन या कुछ भी ऐसे डालते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। हम ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर डाला, देखो अगर लंबी बात करूंगा मैं तो बहुत डीप तक चली जाएगी बात, आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल से शॉर्ट में बताता हूं कि देखिए ये हमारा जो भी हम बॉडी के अंदर जो भी हम ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो भी हम कार्ब्स वगैरह लोडिंग करते हैं उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बढ़ा देगा। जब भी आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बढ़ेगा आपकी बॉडी से फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। फैट क्यों लॉस होगा, क्योंकि जो भी आपका बॉडी में फैट है, अच्छा इसकी सबसे अच्छी बात है कि फैट को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बढ़ाएगा। जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बढ़ेगा तो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी आपकी लीन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपका फैट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, जो आपका जो भी आपने कंज्यूम किया, जो आपका उसको एनर्जी में, जो आपका ग्लाइकोजन आपने इंटेक किया उसको जो एनर्जी में कन्वर्ट किया है, उससे क्या होगी आपकी एंड्योरेंस, आपकी पावर, मसल्स की पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि आपकी एंड्योरेंस पे काम करता है, आपके फैट लॉस करेगा, फैट लॉस को फैट को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, प्लस आपके जो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। देखो सब घूम फिर के एक ही बात कहता हूं कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक ऐसी बॉडी का एक ऐसी चीज है, देखो ये जो है ना ये बॉडी का एक ऐसा
बोलूंगा मैं, एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी का सारा सिस्टम को ठीक करके रखता है। अगर ये खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। तो सबसे पहले जो है इसको ठीक करता है, इससे ही सारी चीजें जो है आपको ठीक होती चली जाती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए गाइस, जब भी हमारा डाइजेशन खराब होता है या हम कुछ भी, हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। हार्मोन्स अनबैलेंस कब होते हैं? जब हमारी बॉडी में कुछ भी सही नहीं चलता, आई मीन मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें हमारे हार्मोन्स भी क्या होते हैं, अनबैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से हमें जैसे डिप्रेशन हो गया, या फिर गुस्सा आना, या फिर ऐसी कई चीज़ें, मूड चेंज, स्विमिंग मूड स्विंग होना, ऐसी कई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे पहले उस पर भी आपका काम करता है। क्यों? देखिए, अगर बॉडी का सिस्टम स्मूथ कर देगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आपका ये मूड को भी स्विंग नहीं होने देगा, आपके उसको बैलेंस करके रखेगा। ये इसका बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा देखिए गाइस, आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूं। एक्चुअली डॉक्टर प्रोफेसर थॉमस ने जो बनाया था इसको, तो इसको बेसिकली किस चीज के पर्पज के लिए बनाया था? इसको दो डिजीज जो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम सिस्टम है और आपका जो है कार्डियोवास्कुलर, इन दो जो किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके उसी पर्पज से इसको बनाया गया था। कई इसको बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, कई एथलीट इसको यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एंड्योरेंस को बढ़ा देता है, आपकी जो है मसल्स की क्वालिटी को बढ़ाएगा। मसल्स की क्वालिटी तो देखो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी जब आप कोई भी चीज प्रोटीन इंटेक कर रहे हो या कार्ब्स इंटेक कर रहे हो, कोई भी न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको जो है ये प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में जो है कंज्यूम कर रहा है, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो इससे आपका जो है एंड्योरेंस, आपका फैट लॉस, आपका जो है हार्मोन्स को जो है बैलेंस करना, प्लस आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देना, ये सारी क्वालिटी जो है ये ठीक कर देता है, ऐसा इसमें बोला गया है। बट ये काम साम्स का नहीं है। अब आप इसको साम्स के नाम से अगर बेचते हो तो ये साम्स के अंदर क्वालिटी नहीं है, ये है आपका रेयर बार, आपका रिसेप्टर, ये इसकी क्वालिटी है जो आपकी बॉडी में चेंजेस लाना स्टार्ट करता है। अब इसको इसके लिए नहीं बनाया गया, बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं बनाया गया ये, या फिर एथलीट के लिए नहीं बनाया गया है। अब एथलीट इसको यूज करते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ऐसा इसको यूज करते हैं। बट एक्चुअल में ये जो बनाया गया है मेटाबॉलिक सिस्टम, या फिर आपका जो है कार्डियोवास्कुलर पेशेंट के लिए इसको बनाया गया है, उनको उनके लिए स्पेशल इसको प्रोड्यूस किया गया है। अब ये बात आती है गाइस, डोजेस की बात करता हूं मैं। देखिए डोजेस, जहां मेरी बात आएगी कि मैं इसको प्रमोट ही नहीं करता तो डोजेस की तो बात ही नहीं आती है। जब मैं आपको एक सिंपल सी डोजेस बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं गाइस कि देखिए, अगर ये इतना अच्छा होता तो लोग एनाबॉलिक क्यों लेते, या फिर बाकी चीजें क्यों लेते, इसी को ले लेते ना, क्योंकि इससे नुकसान तो हो नहीं रहा ज्यादा, इससे कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहा है, आपके हर चीज को कंट्रोल करके रख रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बढ़ा रहा है, सब कुछ आपकी बॉडी में जो है इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप दूसरी चीज क्यों लोगे, इसी को लोगे ना। बट एक्चुअल में ये कहां तक काम करता है इसकी कहीं भी अभी तक स्टडी नहीं है। जो बंदा इसको यूज कर चुका है उसी को पता है कि ये कितना बॉडी के अंदर काम करता है। और आपको सच बात बताऊं तो मैंने साम्स भी यूज किए हैं, बट मुझे साम्स के अंदर वो चीज नजर नहीं आती है जो चीज मुझे अदर, इवन सप्लीमेंट इज बेटर देन साम्स। मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं तो सच्ची बात यह है कि सप्लीमेंट्स अच्छा काम करते हैं आपके नॉर्मल साम्स से। तो कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं मैं साम्स यूज करूंगा, या मेरे को कई यार इवन जिम में भी मेरे को कई बंदे पूछ लेते हैं कि सर अगर मैं साम्स यूज करूं तो उससे मेरी कुछ पावर बढ़ेगी या ऐसा बढ़ेगी। देखो भाई, कई लोग मेरे को भी सजेस्ट करते हैं कि आपको लीन गेनिंग के लिए साम्स यूज करना चाहिए, रेड 41 वगैरह सारी चीजें बताते रहते हैं कि आपको ये यूज करना चाहिए, वो यूज करना चाहिए। बट मुझे एक ही चीज घूम फिर के एक ही चीज आती है कि साम्स उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर इतना इफेक्टिव है तो लोग क्यों इतना हजारों लाखों लाखों रुपए खर्च करेंगे? वो खर्च करेंगे नहीं, वो 2-4 हजार रुपए का साम्स ले लेंगे, उसी से बॉडी बना लेंगे। तो दिस इज जस्ट कंपनी का एक मार्केटिंग का तरीका है कि आप इसको बेचो और जो है पैसा कमाओ, सिंपल सी बात है। तो गाइस, डोजेस की तो बात ही नहीं आती यहां पर, क्योंकि डोजेस एक इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि आप कहां पर यूज कर रहे हो, इसको पेशेंट के लिए यूज कर रहे हो या बॉडी बिल्डर के यूज कर रहे हो या किसकी वैल्यू यूज कर रहे हो। तो जब मैं इसको प्रमोट ही नहीं करता हूं, मैं इसको बताता ही नहीं हूं, तो डोजेस की तो बात ही नहीं आती है। तो गाइस, ये है आपका स्टेनाबॉलिक के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो इस तरीके से बॉडी में काम करता है। ये कोई साम्स नहीं है, साम्स के नाम से इसको बोलना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली साम्स कंपनी इसको अगर सेल कर रही है तो वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है।
अगर आपने इसको यूज किया तो आपको यह भी मालूम होगा किस तरीके से बॉडी में काम करता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो गाइस इसको जाने से पहले लाइक जरूर करिए, इसमें एक शेयर बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसको बहुत सारा प्यार दे दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले आपने इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।